रही। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीट किया था। चैप्टर 4 का फर्स्ट सेक्शन हो गया था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। अब चैप्टर 4 का जो सेकंड पार्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहा जाता है। देखिए बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन किसको कहा जाता है। देखिए, आपको पता है 3 टाइप्स ऑफ मोशन है, जिसके अंदर एक ट्रांसलेटरी मोशन होती है, रोटेटरी मोशन होती है और वाइब्रेटरी मोशन होती है। तीनों जो मोशंस होती है वो अलग मोशंस होती है और तीनों की प्रॉपर्टीज अलग होती है। तो अब पहले हम ये देखते हैं कि ये सर्कुलर मोशन किसको कहा जाता है या सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या होती है बेटा। तो पहले इसको करते हैं, उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को करते हैं। ये हमारा सेक्शन है बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको हम सिंपली यूसीएम कहते हैं। इसके अंदर हमने पहले पढ़ना है सर्कुलर मोशन। वैसे सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन को सेम हम सेंस में लेते हैं, लेकिन अगर टेक्निकली देखें तो सर्कुलर मोशन जब हम कहते हैं तो ज्यादातर हम उसको यूनिफॉर्म लेते हैं, और जब हम रोटेटरी कहते हैं तो ज्यादातर हम उसकी मतलब या मकसद जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर लेते हैं। बहरहाल, सर्कुलर मोशन का मतलब होता है मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ बॉडी इन विच ऑल पार्टिकल्स ऑफ बॉडी मूव इन सर्किल अराउंड अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड सेंटर ऑफ रोटेशन। देखिए बेटा, सर्कुलर मोशन का मकसद है ऐसी मोशन जिसमें कोई भी बॉडी जब मूव करे तो उस सर्कल का मकसद है उसका हर एटम और मॉलिक्यूल सर्किल में मूव करे। ठीक है, उस पार्टी के जितने भी उस बॉडी के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सब के सब सर्किल में अगर मूव करते हैं तो बॉडी की ऐसी मोशन को हम कहते हैं कि ये सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में जब भी कोई बॉडी होती है उस बॉडी का हर एटम मॉलिक्यूल, कोई भी सिंगल एटम या मॉलिक्यूल कोई भी ऐसा नहीं होता जो सर्किल के सिवा मूव कर रहा हो। जैसे आप अभी जहां पे भी बैठे होंगे आप देख रहे होंगे वहां पे फैन चल रहा होगा, तो जो फैन होता है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो फैन के अंदर जो होता है वो उसका हर एटम या मॉलिक्यूल जो होता है वो सर्किल में रिवॉल्व कर रहा होता है, और उस सर्किल में रिवॉल्व करते हुए सब पार्टिकल की एक पॉइंट फिक्स होती है। जिस पॉइंट के बाहर वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, जो सेंट्रल पॉइंट होती है जिस पॉइंट के बाहर वो बॉडी सर्किल में रिवॉल्व कर रही होती है उसको कहा जाता है सेंटर ऑफ रोटेशन। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक बॉल है या कोई भी और चीज है जो इस तरह से सर्किल में अगर रिवॉल्व करती है तो इसका ये जो होता है ये सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। सपोज करें ये बॉल जो होता है वो इस तरह से जब रिवॉल्व कर रहा होता है तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन बेटा, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, और सेंटर ऑफ रोटेशन से कोई भी ऐसी लाइन अगर इस तरह से हम पास करवाते हैं, जैसे ये पेन है ये मैंने इस तरह से पकड़ी हुई है ये सेंटर ऑफ रोटेशन से पास होती है तो इसको हम क्या कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे व्हील होता है, व्हील के अंदर एक रॉड होती है जिसके अंदर वो व्हील लगा होता है,
व्हील की जो रॉड होती है जिसके अंदर वो फिक्स होता है, वो सेंटर ऑफ रोटेशन पे ही फिक्स होता है। तो जो रॉड होती है ना, उसको कहा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मकसद होता है लाइन विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप देख सकते हैं जो आपके जो है वो रूम में अभी फैन लगा होगा, उस फैन के अंदर भी एक रॉड लगी है जिसके अंदर वो फैन उसके बाहर रोटेट कर रहा है। तो ये जो रॉड होती है, इस रॉड को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है वो हमेशा परपेंडिक्युलर होता है विद द प्लेन ऑफ द बॉडी। ये आगे फिफ्थ चैप्टर के अंदर इसको डिटेल में लेंगे, लेकिन बुनियादी नॉलेज आपके जहन में होनी चाहिए कि सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। सेंटर ऑफ रोटेशन एक अलग चीज है, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक अलग चीज है। सेंटर ऑफ रोटेशन वो पॉइंट होती है जिस पॉइंट के बाहर कोई भी बॉडी सर्किल में मूव करती है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन वो लाइन होती है जो सेंटर ऑफ रोटेशन से गुजरती है। तो ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ रोटेशन से गुजरती है उसको कहा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये बुनियादी चीजें जो आपके माइंड में होनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन का मतलब होता है किसी भी बॉडी की ऐसी मोशन जिस मोशन के अंदर उस बॉडी का हर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हो, उसका हर एटम मॉलिक्यूल सर्किल में किसी भी फिक्स पॉइंट के बाहर रोटेट करे। तो ऐसी बॉडी की मोशन को हम कहते हैं कि ये सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब ये जो सर्कुलर मोशन होती है, इसके अंदर दो किस्मों की सर्कुलर मोशन होती है। एक होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो हमने पढ़नी है वो चैप्टर 5 के अंदर पढ़नी है। चैप्टर 5 के अंदर हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, जबकि सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर जो मोशन होती है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे चैप्टर 4 के अंदर। देखिए बेटा, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहा जाता है, या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है बेटा? देखिए बेटा, किसी भी बॉडी की ऐसी सर्कुलर मोशन जिसके अंदर उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे। देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं कहेंगे, ये इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। जैसे हम ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर कहते हैं कि यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन वो होती है जिसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। जिसके अंदर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो वो यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन है। ये हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। सर्कुलर मोशन को आप उसी सेम रूल के ऊपर नहीं लाओगे जिसके ऊपर आप ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस करते हो। सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म का मकसद है ऐसी सर्कुलर मोशन जिसके अंदर स्पीड कांस्टेंट रहे। स्पीड कांस्टेंट का मकसद है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। सर्कुलर मोशन के अंदर कभी भी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रह सकती, ठीक है। क्यों नहीं रह सकती, आगे रीजन बताता हूं, लेकिन पहले आप इसकी डेफिनेशन जो है वो क्लियर कर लें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहा जाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है एक बॉडी की ऐसी मोशन जिसके अंदर रोटेट करती हुई बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म रहे, स्पीड कांस्टेंट रहे। तो ऐसी रोटेट करती हुई बॉडी की मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। आपके सराउंडिंग के अंदर जो फैन चल रहा होगा उसकी स्पीड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। वो आपको कैसे पता लगता है? इसलिए कि जो फैन जो होता है जब रोटेट कर रहा होता है तो उसकी स्पीड न बढ़ रही होती है न कम हो रही होती है, उसका रेट ऑफ रोटेशन सेम होता है। आप ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म ऑफ सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर रेट ऑफ रोटेशन यूनिफॉर्म रहता है। आपके सराउंडिंग के अंदर जो भी फैन चल रहे होंगे उनकी स्पीड न कम हो रही होगी न ज्यादा हो रही होगी। तो किसी भी बॉडी की ऐसी रोटेटरी मोशन जिसके अंदर उसकी स्पीड न इंक्रीज हो रही है न डिक्रीज हो रही है, न उसका रेट ऑफ रोटेशन इंक्रीज हो रहा है और न ही रेट ऑफ रोटेशन डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसी सर्कुलर मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आप कहोगे कि मोशन ऑफ बॉडी सर्कुलर मोशन
सर्कुलर मोशन ऑफ बॉडी इन विच स्पीड को आप कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इस कॉल्ड UCM, ठीक है, यूनिफॉर्म की स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहे, या स्पीड कांस्टेंट जब रहती है तो आप उसको रेट ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं कि जिसके अंदर उस बॉडी का रेट ऑफ रोटेशन एक जैसा रहे, ना उसके अंदर इंक्रीज आ रही हो ना उसके अंदर डिक्रीज आ रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल फैन बंद होता है, जब आप उसको ऑन करते हो तो आप देखते हो आहिस्ता आहिस्ता फास्ट होता है, तो हम कहते हैं उसका रेट ऑफ रोटेशन इंक्रीज हो रहा है। जब कोई चलता हुआ फैन होता है उसको बंद करते हैं तो वो स्लो डाउन होता है, हम कहते हैं रेट ऑफ रोटेशन कम हो रहा होता है। उस कंडीशन में जब बंद फैन को हम ऑन करते हैं या चलते हुए फैन को बंद करते हैं तो उसके अंदर आप देखते हो कि उसकी स्पीड एक जैसी नहीं रहती, तो वो ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि उसके अंदर रेट ऑफ रोटेशन या कम हो रहा होता है या बढ़ रहा होता है, लेकिन यूनिफॉर्म से चल रहा होता है, ना उसके अंदर इंक्रीज आ रही होती है ना डिक्रीज आ रही होती है। क्वेश्चन के अंदर आप ऐसा नहीं कह सकते कि उसके अंदर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। एक वेलोसिटी है जो एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है, वो एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, टेंजेंशियल वेलोसिटी डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, दो वेलोसिटीज होती है, ध्यान में रखिएगा, आपकी पढ़ी हुई चीजें होगी क्योंकि आप एंट्री टेस्ट के या हाफ एंट्री गए तो आपके ये चैप्टर्स पढ़े हुए होंगे, तो आपको पता है कोई भी बॉडी जब रोटेट करती है तो रोटेट करती हुई बॉडी की दो वेलोसिटीज होती है, एक वो वेलोसिटी होती है जो टेंजेंशियल वेलोसिटी कहलाती है, एक वो वेलोसिटी होती है जो एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ये कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, लेकिन टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होती है वो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रहती। तो जब हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती तो हम कहते हैं कि टेंजेंशियल वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती, एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती। आगे ये चीजें आ जाएंगी, जस्ट हम डेफिनेशंस कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसी सर्कुलर मोशन है जिसके अंदर उस बॉडी की स्पीड जो होती है वो यूनिफॉर्म रहती है, उस स्पीड के अंदर न इंक्रीज आ रही होती है न उस स्पीड के अंदर डिक्रीज आ रही होती है, तो बॉडी की ऐसी मोशन सर्कुलर जिसके अंदर उस बॉडी की स्पीड न इंक्रीज हो रही है न डिक्रीज हो रही है, तो बॉडी की ऐसी मोशन को हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये चीज के टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होती है, आप यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि इसके अंदर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है जबकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ठीक है, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को जाहिर करता है, वीटी टेंजेंशियल वेलोसिटी को जाहिर करता है। ठीक है, तो जब हम कहते हैं कि सर्कुलर ऐसी सर्कुलर मोशन जिसके अंदर स्पीड यूनिफॉर्म है वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, तो उस वक्त जो हम वेलोसिटी बोल रहे होते हैं ना वो एंगुलर वेलोसिटी नहीं बोलते, उस वक्त हम बोल रहे होते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आप आगे पढ़ोगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है, फिर आप कंफ्यूज होते हो कि हमने डेफिनेशन के अंदर तो पढ़ा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, तो जो डेफिनेशन के अंदर वेलोसिटी का बोला गया है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी का बोला गया है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर टेंजेंशियल वेलोसिटी क्यों यूनिफॉर्म नहीं होती। देखिए बेटा, कोई भी बॉडी जब इस तरह से सर्किल में रिवॉल्व करती है,
लेकिन ये सपोज करे इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है और ये बॉडी यहाँ पे बेटा, और ये होता है रेडियस बेटा, ये हम कहते हैं इसको रेडियस कहते हैं। तो बेटा याद रखिएगा कि सर्कुलर मोशन के अंदर जो रेडियस होता है वो पोजीशन वेक्टर के सेंस में आता है, रेडियस वेक्टर होता है, और रेडियस का जो डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कुलेशन होता है। ये जहन में रखिएगा बेटा कि रेडियस जो होता है वो वेक्टर है, और वेक्टर कौन सा है, पोजीशन वेक्टर है। वो हमें बताता है कि जो बॉडी सर्किल में रिवॉल्व कर रही है वो अपने सेंटर से कितना दूर रिवॉल्व कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के एटम के अंदर उस इलेक्ट्रॉन का जो फर्स्ट बोर रेडियस है उसकी वैल्यू मेरे ख्याल में 0.53 × −10⁻¹⁰ है। इसका मकसद है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से 0.53 × −10 m दूर रोटेट करती हुई बॉडी की पोजीशन बताता है कि ये रोटेट करती हुई बॉडी अपने सेंटर ऑफ रोटेशन से इतना दूर रोटेट कर रही है। जैसे अर्थ है, अर्थ अगर सन के बाहर रिवॉल्व कर रही है तो अर्थ का जो ऑर्बिटल रेडियस होता है उसकी मुझे वैल्यू याद नहीं है, लेकिन उसकी जितनी भी वैल्यू है इसका मतलब ये है कि हमें उसे पता लगता है कि अर्थ इतना दूर जो है वो सन से रोटेट कर रही है। तो ये जो रेडियस होता है ये रेडियस पोजीशन वेक्टर है, और ये पोजीशन किसकी बताता है, उस रोटेटिंग बॉडी की बताता है जो बॉडी रोटेट कर रही होती है, और पोजीशन वेक्टर जो होता है उसका डायरेक्शन होता है। तो रेडियस जो पोजीशन वेक्टर होता है इसका डायरेक्शन ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलेशन होता है। आप ये देखें, अगर बॉडी यहाँ पे है तो ये रेडियस का डायरेक्शन ये है, अगर बॉडी किसी और जगह पे हो जाएगी तो रेडियस का जो है वो डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा। याद रखिएगा कि रेडियस का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, एज अ वेक्टर रेडियस कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है। ठीक है, आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर पढ़ोगे, बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजिंग चीजें होती है कि आपको ये आप समझते हो कि रेडियस तो 10 सेंटीमीटर है, और ऑप्शन में कहा गया होता है कि रेडियस यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, ऑप्शन होता है नॉन यूनिफॉर्म, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि रेडियस तो 10 सेंटीमीटर है उसकी तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो रेडियस की वैल्यू चेंज नहीं होती, रेडियस वेक्टर है, वेक्टर जो होता है ना उसका डायरेक्शन मैटर करता है। अगर यहाँ पे आप देखते हैं, अब बॉडी यहाँ पे आ गई, ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो ये रेडियस चेंज हो गया। अब यहाँ पे रेडियस का डायरेक्शन अलोंग ईस्ट है और यहाँ पे रेडियस का डायरेक्शन अलोंग नॉर्थ है, तो आप सिर्फ तो नहीं कह सकते ना वेक्टर सेंस के अंदर, मैग्नीट्यूड दोनों कंडीशन में सेम है, लेकिन ये ऑलवेज अवे है, ऑलवेज अवे डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन हमेशा हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे देख। अगर इस बॉडी के एक्सिस आप बनाए तो ये बना सकते हैं आप, इसके एक्सिस मैंने बना लिए। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ये रेडियस किस किस तरफ बनता है, ये बन जाता है ईस्ट की तरफ, यहाँ पे ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है। तो ये बात याद रखिएगा कि ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है उसके अंदर रेडियस जो होता है ये रेडियस पोजीशन वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है। और आपको पता है जो वेक्टर होता है उसका चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो चाहे डायरेक्शन चेंज हो हम उसको यूनिफॉर्म नहीं कह सकते, इसलिए रेडियस का मैग्नीट्यूड सेम होता है, रेडियस का डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा चेंज हो रहा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो रेडियल वेक्टर है, हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, रेडियल वेक्टर जो होता है ये यूनिफॉर्म नहीं रहता। ठीक है, अब इसी सेंस में आप देख ले कि अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये बॉडी जब इस तरह से रोटेट कर रही है तो आप देख ले कि ये बॉडी इस तरह से जब रोटेट करती है तो यहाँ पे ये बॉडी इस तरफ जाने की कोशिश करती है, मींस वेलोसिटी टेंजेंशियल का डायरेक्शन ये होता है। अब ये बॉडी रोटेट करके यहाँ पे आ गई, इसका मतलब है ये बॉडी अब इस तरफ डायरेक्शन इसका हो गया, तो आप देख सकते हैं कि ये जो बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही है इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पे नॉर्थ की तरफ है और यहाँ पे वेस्ट की तरफ है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। आप किसी भी पोजीशन पे देख ले, कोई और पोजीशन बना ले, आप इस जगह पे बना ले, यहाँ पे आप बना ले, ये एक और पोजीशन बना ले, मैं मुख्तलिफ पोजीशन बनाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जब कोई भी बॉडी
इस तरह से सर्किल में रिवॉल्व करके, तो डिफरेंट पोजीशंस पे उसका डायरेक्शन डिफरेंट हो, इस तरह से डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट पोजीशन स्पेस की वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफरेंट होता है। और आपको पता है सर्किल में रिवॉल्व करती हुई चीज का इसको टेंजेंट कहते हैं। ऐसी लाइन जो सर्किल को छू के गुजरे उसको कहा जाता है टेंजेंट। तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होता है वो टेंजेंट टू द सर्कुलेशन पाथ होता है, टेंजेंट की तरफ होता है। इसलिए इस बॉडी की मूव करती हुई इस वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी कहा जाता है, और टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहता, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसलिए हम नहीं कहते कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन होती है जिसके अंदर वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। जब हम सिर्फ वेलोसिटी का वर्ड इस्तेमाल करते मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी, जब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो वर्ड एंगुलर इस्तेमाल करेंगे, खाली वेलोसिटी का टर्म एंगुलर वेलोसिटी को जाहिर नहीं करेंगे। ध्यान में रखिएगा, एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी कहा जाएगा, उसको खाली वेलोसिटी नहीं। खाली वेलोसिटी वही होती है जो यहाँ पे इस सर्कमफेरेंस के ऊपर बॉडी जब मूव करती है तो उसको सर्कमफेरेंस पे मूव करने की जो वेलोसिटी होती है उसको कहा जाता है कि ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो कंटिन्यूअसली चेंज नहीं हो रहा होता है, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो एक जैसा रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो सर्कुलर मोशन होती है जिसके अंदर उस बॉडी का मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, या जिसको मैग्नीट्यूड खाली वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहा जाता है, जिसकी स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो बॉडी की ऐसी मोशन जिसके अंदर उस बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रहे, तो बॉडी की ऐसी मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा बेटा, ये हो गई हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या UCM जिसको कहा जाता है। सिंपली मैं इस बात को वापस रिपीट कर देता हूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है किसी भी बॉडी की ऐसी मोशन जिसमें उस बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रहे, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। या आप ये भी कह सकते हैं कि बॉडी की ऐसी मोशन जिसमें एंगुलर वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, वर्ड इस्तेमाल किया जाए एंगुलर वेलोसिटी, खाली वेलोसिटी आप नहीं कह सकते। अगर ये कहा जाए कि ऐसी रोटेटरी मोशन जिसके अंदर वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, गलत होगा। ऐसी रोटेटरी मोशन जिसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट तो ये सही होगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी अलग चीज है, वेलोसिटी अलग। खाली वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी को जाहिर करती है, एंगुलर वेलोसिटी अलग है, वो आगे डिस्कस करेंगे, आपको पता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी टेंजेंशियल जो होती है, वेलोसिटी टेंजेंशियल कांस्टेंट नहीं होती, जबकि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जबकि आप कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी टेंजेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, ये आप कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ आज डेफिनेशन आपको बताई है। अब एक और बात आपको बताता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ठीक है, जिस तरह से ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर हम पढ़ते हैं बेटा, ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर हम पढ़ते हैं एक बैलेंस्ड फोर्स और एक अनबैलेंस्ड फोर्स। बेटा बैलेंस्ड फोर्स वो होती है जो किसी भी बॉडी की स्टेट चेंज न कर सके। बैलेंस्ड फोर्स कभी भी स्टेट चेंज नहीं करती, आपको पता है बेटा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपके सराउंडिंग में कोई चेयर, कोई चीज पड़ी होगी, आप देखते हैं उसके ऊपर फोर्स लग रही होती है, ऐसी तो यूनिवर्स के अंदर कोई चीज ही नहीं है जिसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही। ये कहना तो टेक्निकली गलत होगा कि इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। यूनिवर्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस के ऊपर फोर्स तो लगनी लगनी।
आप अगर आपके सराउंडिंग में जितनी चीजें हैं ना, आप उसको ऐसे बोल तो देते हैं कि इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं, लेकिन टेक्निकली ये चीज गलत है। अगर आपके सराउंडिंग में कोई भी चीज पड़ी है तो उसके ऊपर क्या होता है, वेट उसके डाउनवर्ड हो रहा होता है और अर्थ का नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होता है, दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर रही होती है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होती है। इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स, कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर इस तरह से फोर्सेस लग रही होती है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो हो जाता है, हम कहते हैं कि उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स है। और बैलेंस्ड फोर्स कभी भी स्टेट चेंज नहीं करती। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी अगर उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लग रही है। ये आपने पढ़ा है न्यूटन के लॉ के। और आपने ये भी पढ़ा है कि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करती है, अनबैलेंस्ड फोर्स बॉडी की स्टेट चेंज करती है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में, उसको मूव करवाने के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, उसको एक्सीलरेट करवाना है, उसको डिसेलरेट करवाना है, उसकी स्टेट चेंज करनी है, अनबैलेंस्ड फोर्स लगानी पड़ेगी। अनबैलेंस्ड फोर्स हमेशा स्टेट चेंज करती है, अनबैलेंस्ड फोर्स हमेशा एक्सीलरेशन पैदा करती है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास रोटेटरी मोशन के अंदर भी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस होती है। आपने रोटेटरी मोशन के अंदर पढ़ी होगी दो फोर्सेस, एक होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरी होती है टेंजेंशियल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, टेंजेंशियल फोर्स क्या होती है, बेटा आपने डेफिनेशन पढ़ी है इसकी। जब किसी भी चीज को धागे में बांध के इस तरह से रोटेट करवाते हैं तो उसको कंटिन्यूअसली हम अपने हाथ की तरफ फोर्स दे रहे होते हैं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर अर्थ रिवॉल्व कर रही है राउंड सन तो सन उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो सन की ग्रेविटी है, ये इसकी जो है वो आप कह सकते हैं कि ये इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स है। मून रिवॉल्व कर रहे हैं राउंड अर्थ तो मून को अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो ये जो अर्थ की ग्रेविटी है कि ये मून की सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो आप कह सकते हैं कि ये वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन की देख ले, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस, तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की तरफ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो ऐसी फोर्स जिसका डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलेशन पाथ हो, ऐसी फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है ना, ये सर्कुलर मोशन में बैलेंस्ड फोर्स के तौर पे काम करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी रेस्ट वाली बॉडी को रोटेट नहीं करवा सकती, उसकी रोटेशन स्टार्ट नहीं करवा सकती, क्योंकि रोटेटरी मोशन के अंदर रेस्ट से रोटेट करने का मतलब है स्टेट चेंज का। फेन है अगर फेन है वो स्टार्ट रोटेशन जब करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से नहीं कर, सेंट्रीपिटल फोर्स बिहेव करती है लाइक अ बैलेंस्ड फोर्स। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है, सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी उसकी रोटेशन स्टार्ट नहीं करवा सकती। अगर कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको यूनिफॉर्म मोशन में रख सकती है, लेकिन उसकी कभी भी स्पीड चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ये बिहेव करती है लाइक जो है वो बैलेंस्ड फोर्स। तो याद रखिएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है बिहेव करती है लाइक अ बैलेंस्ड फोर्स। इसलिए आप कहेंगे कि जब कोई भी बॉडी है उसकी स्टेट चेंज करनी है, मीन्स आपको उससे रेस्ट से रोटेट करवाना है, या रोटेटिंग बॉडी की स्पीड बढ़ानी है या उसकी स्पीड कम करनी है, तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स का सहारा नहीं लेंगे। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि बिहेव करती है लाइक अ बैलेंस्ड फोर्स, तो आप कहेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है आपको पता है, जब आएगी फिर पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इसकी पॉइंट लिखता हूं। फोर्स सेंट्रीपिटल बिहेव्स एज बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कैन नॉट चेंज स्टेट ऑफ बॉडी। सेंट्रीपिटल फोर्स
नॉट चेंज स्पीड ऑफ रोटेटिंग बॉडी बेटा, ऑफ रोटेटिंग बॉडी बेटा, कोई भी रोटेटिंग बॉडी है उसकी स्पीड चेंज नहीं कर सकते कोई भी। इसलिए आप क्या कहो, अब आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में क्या कहोगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमेशा सेंट्रीपिटल की वजह से होगी क्योंकि उसके अंदर तो स्पीड चेंज नहीं हो रही, ठीक है, उसके अंदर तो स्पीड यूनिफॉर्म रहती है, उसकी जो स्टेट है वही रहती है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, ठीक है। तो अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर फोर्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है ना, तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी सर्किल में मूव करवाने के लिए सेंट्रीपिटल जरूरी होती है। सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल के सिवा सर्क्यूलर मोशन तो होनी नहीं है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ही उसको सर्किल में रिवॉल्व करवाती है, वो सीधा जाने की कोशिश करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही उसको सर्किल में मजबूर करती है उसको रोटेट करवाने के लिए। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स वो बैलेंस्ड फोर्स होती है जो रोटेट करती हुई बॉडी की स्टेट चेंज नहीं कर सकती। अगर कोई बॉडी रेस्ट में, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट वाली बॉडी को रोटेशन शुरू करवाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं काम दे सकती। देखें, आप कोई चीज धागे में बांध के इस तरफ घुमाना चाहते हो तो जब स्टार्ट करोगे ना मोशन, तो आप देखोगे इस तरह से आप करोगे वो रोटेशन शुरू होगी, रोटेशन शुरू होने के बाद जब आप उसको सेंट्रीपिटल दोगे तो रोटेशन कंटिन्यू कर सकते। रोटेशन शुरू कभी भी सेंट्रीपिटल से नहीं होगी क्योंकि सेंट्रीपिटल बिहेव करती है लाइक अ बैलेंस्ड फोर्स। आपको पता है बैलेंस्ड फोर्स रेस्ट वाली बॉडी को मूव नहीं करवा सकती, इसी तरह से कोई भी बॉडी जब आप रोटेट करवाना चाहते हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी उसकी रोटेशन शुरू नहीं करवा सकती। रोटेशन शुरू कौन करवा सकता है, वो करवा सकती है टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स ये होती है, जब कोई भी बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही होती है तो ऐसी फोर्स बेटा जो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्किल होती है, ऐसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा। लेकिन एक फोर्स होती है जिसको टेंजेंशियल कहा जाता है बेटा, ये इस तरह से होती है। सपोज करें कोई भी बॉडी इस तरह से है और उसको आप यहां से फोर्स लगाते हैं, इसको कहा जाता है टेंजेंशियल फोर्स। इस तरह से जैसे व्हील होता है ना, इस तरह से आप करोगे हाथ इस तरह से तो वो रोटेट करना शुरू करेगा। तो ये कौन सी फोर्स होती है, ये होती है टेंजेंशियल फोर्स। सिलाई मशीन का कभी एक्सपीरियंस हुआ है किसी को तो देखिए, सिलाई मशीन के अंदर क्या होता है, जब उसको चलाते हैं तो सिलाई मशीन के ऊपर जो दर्जी बैठा होता है वो क्या करता है, हाथ से व्हील को पैसे पहले चलाता है, उसके बाद वो रोटेट करना शुरू करता है। आप देखते हैं इस तरह से उसके ऊपर इस तरह से एक व्हील होता है, व्हील के ऊपर इस तरह से एक बेल्ट लगा होता है और वो बेल्ट जो होता है वो आगे किसमें सेट होता है, मोटर में होता है, ठीक है, यहाँ पे मोटर होता है। अब ये मोटर क्या करेगा, इसको जो बेल्ट है उसको खींचेगा, खींचेगा तो ये बेल्ट इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स लगाएगा, और टेंजेंशियल फोर्स लगेगा तो ये व्हील क्या करेगा, घूमना शुरू कर देगा। तो बेटा रोटेशन जो होती है ना उसको स्टार्ट करवाने के लिए हमेशा रोटेट जिस चीज को करना है ना उसकी ईच पे टेंजेंट की तरह, इसको कहा जाता है टेंजेंट की तरह, यहाँ पे जो बिल्कुल ऐसी लाइन जो सर्किल को छू के गुजरे उसको कहा जाता है कि ये टेंजेंट है। तो इस तरह से अगर कोई टेंजेंशियल फोर्स देंगे ना तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स वाला काम करती है। अगर किसी बॉडी को स्टार्ट करवानी है रोटेशन, अगर आपने किसी भी चीज को स्टार्ट करनी है रोटेशन तो उसके लिए आपको टेंजेंशियल फोर्स लगानी पड़ेगी। टेंजेंशियल फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स वाला काम करती है, टेंजेंशियल फोर्स रेस्ट वाली बॉडी को रोटेट करवा सकती है और रोटेटिंग बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन भी पैदा कर सकती है, ठीक है। तो याद रखिएगा अनबैलेंस्ड फोर्स क्या, कौन सी फोर्स अनबैलेंस्ड की तरह बिहेव करती है, टेंजेंशियल फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स की तरह बिहेव करती है, बिहेव्स एज अन
बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ बॉडी, ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ रोटेटिंग बॉडी, कैन चेंज स्पीड ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ठीक है। तो ये बात बेटा बाजार में रखिएगा, ये होगी हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। आगे इनकी डिटेल्स आती रहेंगी। यहां तक हमने आज सिर्फ बेटा जो है वो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म की डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी है, कल इंशाल्लाह इसको टेक्निकली डील करें, ठीक है यार।